हम इंसान काले और गोरे क्यों होते हैं? एक ऐसा मेंढक जो कि हमेशा उदास होता है, लेकिन क्यों? और क्या आप ये जानते हो कि वो आइसबर्ग मिल गया है जो कि टाइटैनिक से टकराया था? और क्या होगा अगर आप एक शहद के पूल में गिर जाओ? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, कभी ऐसा हो कि आपने एक साइकिल ऑर्डर किया और उसकी जगह टीवी आ जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिर पता चले कि वो बस टीवी का बॉक्स था और बॉक्स में उसकी साइकिल ही थी। एक शिपिंग कंपनी ने ऐसा ही कदम उठाया साइकिल शिप करने के लिए। दरअसल वो जिस भी साइकिल को शिप करते थे वो एड्रेस तक पहुंचते डैमेज हो जाती थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने साइकिल्स को एक फ्लैट टीवी के बॉक्स में शिप करना चालू कर दिया और यकीन मानिए उनका ये आइडिया काम कर गया। उनका साइकिल डैमेज 80% तक घट गया। नंबर 19, जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां ना एंट्रेंस है ना ही एग्जिट। अगर आप यहां उतर जाएं तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। अगली ट्रेन आने तक वहाँ आपको वेट करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे स्टेशन का क्या फायदा? दरअसल इस स्टेशन को बनाने का एक ही मकसद है, वहाँ के लोगों को याद दिलाना कि जिंदगी में रुकना भी जरूरी है और सब कुछ भूलकर अपने नेचर को देखना। तो इसी फैक्ट के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 18, कहा जाता है ये उसी आइसबर्ग की फोटो है जिससे टकराकर टाइटैनिक डूब गई थी। इस फोटो को 1912 में डब्ल्यू वुड ने लिया था। डब्ल्यू वुड एक दूसरे शिप के कैप्टन थे जो उस साइट पर टाइटैनिक से 40 घंटे बाद पहुंचे थे और ये फोटो तभी ली गई थी। ये आइसबर्ग अटलांटिक ओशन में है जिसपे रेड और ब्लैक कलर का पेंट है। नंबर 17, आपने कितने तरह के एप्पल खाए हैं? एक या दो? लेकिन मैं आपको बता दूं कि धरती पर इतने तरीके के एप्पल्स मौजूद हैं कि अगर आप दिन में एक एप्पल खाएं तो आपको 20 साल लग जाएंगे इन सभी एप्पल्स को टेस्ट करने में। अकेले इंडिया में ही 20 अलग अलग तरीके के एप्पल्स उगाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा एप्पल चाइना में पाए जाते हैं और इंडिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। नंबर 16, हमें बचपन से सिखाया जाता है हम दूसरों के साथ जैसा बिहेव करेंगे वो हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की माने तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता। यानी अगर आप किसी की मदद करते हो तो जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत ही कम ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो कर दो यार, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। नंबर 15, अगर आपको अपने से किसी ताकतवर से लड़ना हो तो ताकत नहीं हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन हिम्मत कहाँ से आएगी? ऑस्ट्रेलिया में एक पिग ने ऐसी गाड़ी से 18 कैंस चुराए और उसे पीकर वो एक काऊ से लड़ने चला गया। अब समझे हिम्मत कहाँ से आएगी। नंबर 14, ये एक बहुत मस्त फैक्ट है कि अगर कोई गुस्से में आपको कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को याद रखिएगा क्योंकि लोग गुस्से में हमेशा सच बोलते हैं। नंबर 13, अगर आप एक डिम लाइटिंग वाले रूम में हैं और अपने आप को एक शीशे में देख रहे हैं तो 10 मिनट के बाद हमारा दिमाग उस मिरर इमेज को बदल कर एक मॉन्स्टर इमेज में बदल देगा। यानी 10 मिनट बाद आपकी खुद की शक्ल आपको डराने लगेगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक ही चीज देख देख के बोर हो जाता है और इसी वजह से वो इमेज में ऐसे चेंजेस करता है। नंबर 12, अफ्रीका में एक खास तरह का मेंढक है जिसको अफ्रीकन रेन फ्रॉग कहा जाता है। इन मेंढकों की खास बात यह है कि ये हमेशा सैड रहते हैं, या तो यूं कहें कि इनकी शक्ल कुछ ऐसी है जैसे लगता है ये हमेशा उदास ही रहते हैं। नंबर 11, जब से कोविड ने इस दुनिया में कदम रखा है कई कंपनीज की मार्केट वैल्यू कम देखी गई है, लेकिन इसी माहौल में बिटकॉइन और डोजी कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज ने तहलका मचा रखा है। इनकी मार्केट वैल्यूज हर रोज बढ़ रही है। आपको बता दें कि डोजी कॉइन को बिली मार्कस ने मजाक मजाक में बनाया था और 2015 में इनके पास बचे सारे डोजी कॉइन्स को बेचकर इन्होंने एक होंडा सिविक खरीद ली। लेकिन आज इसी डोजी कॉइन की मार्केट वैल्यू होंडा कंपनी से ज्यादा है। आज बिली मार्कस को खुशी और गम दोनों का एहसास एक साथ आ रहा होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्या आप अपने सेविंग्स पर हाईएस्ट रिटर्न लेना चाहते हो? तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन बाय और सेल करना
करना इंडिया में अब लीगल हो गया है। और अभी इंडिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं। और आप सिर्फ एक्सचेंज की तलाश में हो तो बिल्कुल कहीं मत जाइए। कॉइन डीसीएक्स गो इजी और सिक्योर ऐप है और इसका कोई ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं है। इस ऐप में फंड सेफ्टी बिटको ने दी है और ये ISO सर्टिफाइड है। और यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है, आप डीसीएक्स लर्न को यूज कर सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स गो में आप मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए एड मनी के ऑप्शन पे जाकर पैसे लिख के पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो और वो सिंपल और सिक्योर होगा। और इस ऐप में आप लो रिस्क में रहोगे। आप इवन सिर्फ 10 रुपए से थोड़ा बिटकॉइन बाय भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऐप। नंबर 10, हॉर्सशू क्रैब। एक ऐसा क्रैब जिनकी बॉडी घोड़े के शू की तरह होती है। इन क्रैब्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इनकी खून की है। इनका खून लाइट ब्लू कलर का होता है और इसकी कीमत करीब 44 लाख पर गैलन है। इनके खून में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मदद से एक दवाई या ड्रग की टॉक्सिसिटी डिटेक्ट की जा सकती है, यानी कि ये अपना खून बहाकर हमें जहर से बचाते हैं। नंबर 9, क्या आप ये जानते हैं ये दोनों फोटो रशिया के अलग अलग जगह से ली गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दोनों में अंतर समझ आएगा। नंबर 8, इस शानदार पिक्चर को देखिए। इसमें एक चिड़िया ने एक शार्क को पकड़ा है और उस शार्क ने एक छोटी मछली को। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पिक्चर कितने सही टाइम पर क्लिक की गई थी। नंबर 7, चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है जो काफी ठंडा होता है। लेकिन क्या आपको पता है मून पर भी कभी वॉल्केनोस हुआ करते थे। आज से करीब 4.2 बिलियन साल पहले मून पर पहला वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लेकिन अब वहाँ एक भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि उस समय चांद पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, हालांकि इस बात का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। नंबर 6, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अकेला रहना काफी अच्छा लगता है, लेकिन उनमें से शायद ही कोई जानता होगा कि ज्यादा देर तक अकेले रहना हमारी बॉडी को उतना नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान डेली 15 सिगरेट पीने वाले एक आदमी के शरीर को पहुंचता है। तो अगर आपको ऐसा कोई दिखे जिसे हमेशा अकेला रहना अच्छा लगता है, उसे ये बात जरूर बताएं। चाहे फिजिकल हो या मेंटल, आपकी हर एक्टिविटी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 5, यूएस के एक रेस्टोरेंट ओनर ने बताया कि सुबह के 4 बजे एक चोर उसके रेस्टोरेंट में घुस आया था, लेकिन उसने उसको पुलिस हवाले करने के बजाय अपने यहाँ नौकरी दे दी ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम बचे हैं जो ऐसे समय पर इतना पोलाइटली एक्शन लेते हैं। इससे उस चोर और उसके परिवार दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नंबर 4, ये पिक्चर है सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस की जो 15 साल से कोमा में है। डॉक्टर्स ने 2015 में इससे हार मान लिया था और इसके कनेक्शंस निकालना चाहते थे, लेकिन इसके पापा इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें अब भी भरोसा था कि कोई चमत्कार होगा और उनका प्रिंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ की ममता तो सबको दिखती है, लेकिन पिता का प्यार बहुत कम लोगों ने देखा है। ये पिक्चर उसी प्यार का एक एग्जांपल है। नंबर 3, आपको इस फैक्ट से जानवरों की सहन शक्ति का पता चलेगा। आप इस इमेज को देखो, ये एक वुल्फ के दांत हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि इस वुल्फ के दांतों के बीच में इसके मरने के कई सालों पहले से पेड़ की एक टहनी अटकी हुई है। नंबर 2, पानी में तो हर कोई स्विम कर लेता है, लेकिन क्या कभी आपने कहीं और स्विम करने का सोचा है, यानी और किसी लिक्विड में जैसे कि हनी। क्या आपने सोचा है कि अगर हम किसी हनी से भरे एक पूल में स्विम करें तो क्या हम उसमें स्विम कर पाएंगे या फिर हम उसमें डूब जाएंगे? ना तो हम इसमें पूरी तरह तैर पाएंगे ना ही इसमें डूबेंगे। हनी पानी से 36 गुना ज्यादा चिपचिपा होता है, यानी हम जितनी आसानी से हम पानी में तैर सकते हैं उतनी आसानी से हम हनी में नहीं तैर सकते। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहाँ हनी कम चिपचिपा होता है और हम वहाँ तैर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उसमें रुकेंगे हनी धीरे धीरे आपको जकड़ता हुआ महसूस करेगा। और रही बात डूबने की, तो हनी में अपथ्रस्ट फोर्स यानी अपोजिट फोर्स, जब हम किसी लिक्विड या वैक्यूम में कूदते हैं और ये फोर्स हमें नीचे जाने से रोकता है, ये फोर्स भी हनी के पानी में कहीं ज्यादा है, यानी अगर हम डाइव करें तो हम उस हनी में डूब ही नहीं पाएंगे। नंबर 1,
अफ्रीका के लोग काले तो यूरोप के लोग गोरे, अफगानिस्तान के लोग गोरे तो हमारे इंडिया के लोग सांवले। आखिर भगवान ने हमें बनाते समय इतना भेदभाव क्यों किया? आपने भी कई बार इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने हम सबको एक ही बनाया है, बस हम जिस जगह रहते हैं उस जगह की वजह से लोग गोरे या काले होते हैं। यानी अगर हम किसी ऐसे कंट्री में रहे जहाँ गर्मी बहुत है तो हमारा रंग काला होगा, और हम किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत ठंड हो तो हमारा रंग गोरा होगा। हमारे स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है मेलानिन, जिसके अंदर दो टाइप्स यू मेलानिन और फो मेलानिन होता है। यू मेलानिन हमें काला, भूरा या सांवला रंग देता है और फो मेलानिन गोरा। यानी कि जो लोग गर्म जगहों पर रहते हैं उनके स्किन में यू मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठंडी जगह में रहने वालों में फो मेलानिन पाया जाता है। इस फैक्ट से एक कहावत तो समझ आ गई, जैसा देश वैसा भेष। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।